लखनऊ भारतीय खाद्य निगम तालकटोरा में आजादी अमृत महोत्सव का उत्सव मनाया गया। परिचय देते हुए बताइए कि आज आज़ादी के 74 वर्ष खत्म होने के उपरांत 75 वर्ष आने पर आपने आज़ादी महोत्सव का जो आज प्रोग्राम किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आज़ादी का जो अमृत आज आज़ादी की अमृत 74वीं वर्षगांठ पर आपने जो प्रोग्राम किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं मंडल प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम लखनऊ मंडल संतोष बासु। ये हमारा मोदी जी के निर्देशानुसार हमारा हर जनपद में आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ये भारतीय खाद्य निगम में क्या पहली बार मनाया जा रहा है? हाँ, भारतीय खाद्य निगम में पहली बार मनाया जा रही है। ये इसलिए क्योंकि कोरोना में 1.5 साल से हमारा जो डिपो से इतना खाद्यान्न गया है, जिसके कारण हमारा देश के जो गरीब जनता है भूखे नहीं है, उसको हम उसका पब्लिसिटी कराने के लिए, उसके बारे में जनता को हम बताने के लिए ये प्रोग्राम करा रहे हैं। आज हमारा जो प्रोग्राम था, इसमें माननीय विधायक महोदय आए थे यहाँ का लोकल, और साथ में और भी जो समाज सेवी लोग थे, उनके सामने हम हमारा जो 1.5 साल में क्या क्या काम किया वो चीज़ हमने उनसे डिस्कशन और उनसे शेयर किया। उत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की विधायिका जय देवी तथा जैन रजा सदस्य प्रदेश समिति अल्प मोर्चा व भारतीय खाद्य निगम तालकटोरा के डिपो ऑफिसर MM खान के द्वारा संपन्न किया गया। इस महोत्सव में भारत सरकार के द्वारा COVID-19 के चलते देशवासियों को अनाज वितरण प्रणाली के बारे में बताया गया। कृष्ण कुमार लोधी भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने बताया कि 91 वर्ष पूर्व हमारे देश के महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आज 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम लोग आजादी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। थे, हमको बोलना भी नहीं आता था, तो वो ऐसे बेचारी गरीब महिला थी, तो राम निवास भैया कहने लगे कि विधायक जी, तब विधायक नहीं थे, तब भाभी जी मुझको बोलते थे कि आपको आना है, और मेरा जो